काहे के नहीं चाहिए पैसे? दारू पीने को। दारू पीने के लिए? हाँ। ड्यूटी कहाँ है तुम्हारी? मेरी ड्यूटी यहाँ ऑन ड्यूटी है। यहाँ तुम ड्यूटी पे हो? हाँ। दारू पी के कहाँ से आ गए? दारू तो कल से। तो अभी तक नहीं उतरी क्या? ड्यूटी कहाँ है तुम्हारी? अरे तू जाना यार भतीजा कहो मेरे माँ। गम इस कदर बड़े कि घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझे बड़ी देर से जमाना, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। ये लाइन एकदम फिट बैठती है इस सिपाही पर। बीड़ी के मस्त कश लगाता हुआ ये सिपाही मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी खजाने की सुरक्षा करता है। लेकिन सरकारी खजाने की सुरक्षा करने वाले इस शख्स की जरा हालत देखिए। खुद चलना तो दूर की बात है, ये जनाब ठीक से तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। शराब के नशे में ये इतने चूर हैं कि ना तो इन्हें वर्दी की कोई परवाह है और ना ही उस जिम्मेदारी की जो सरकार ने इन्हें सौंपी है। वैसे आपको बता दे कि इन जनाब का नाम है सिपाही राम कुंवर पंवार, जो मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी खजाने की सुरक्षा करते हैं। असल में खजाने में रखी संपत्ति की सुरक्षा में एक प्रभारी के साथ चार सिपाही को 24 घंटे तैनात किया जाता है। हर सिपाही दिन में चार चार घंटे निगरानी करता है और रात में प्रभारी के साथ सभी पांच सिपाही मौजूद रहते हैं। मगर जब बात सिपाही राम कुंवर पवार की आई तो इन्होंने नशे की हालत में बवाल काट डाला। दारू पी के कहां से आ गए? दारू तो कल पी। तो अभी तक नहीं उतरी क्या? पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल के लिए राम कुंवर को अस्पताल भेजा। लेकिन शराब की ठसक इनके ऊपर इतनी सवार थी कि गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट में ठूस ठूस कर पुलिस को इन्हें बिठाना पड़ा। मगर ये भाई साहब कहां बाज आने वाले थे। इधर इन्हें गाड़ी में पुलिस वाले बैठाएं, उधर ये बाहर निकलने को तैयार। काफी देर तक यही नाटक सड़क पर चलता रहा। आपको बता दें कि नशे की हालत में सिपाही ने खजाना परिसर में उत्पाद मचाने के साथ ही न्यायालय और एसडीएम ऑफिस आने जाने वाले लोगों पर जमकर गालियां बरसाईं। बेहद संवेदनशील जगह की सुरक्षा में तैनात सिपाही के द्वारा नशे में की जा रही इस हरकत की सूचना पुलिस को दी गई तो गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से सिपाही को निलंबित कर डाला। यहाँ पे जो खजाना गार्ड है वहाँ पे हमारा एक चार का गार्ड लगता है, तो दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में जो एक आरक्षक है हमारे यहाँ राम कुंवर, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरे पास पॉइंट आया कंट्रोल रूम से कि कोई सिपाही है वहाँ पे जो शराब पी करके कुछ उत्पाद कर रहा है। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे एक आरक्षक है राम कुंवर, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो शराब के नशे में था तो उसका हमने मेडिकल करवा दिया है और अभी उसको वर्तमान में सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी अभी विभागीय जाँच वगैरह होगी आगे। गौरतलब है कि सरकारी खजाने में जून 2011 में अज्ञात चोरों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर और मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद लाखों रुपए की नकदी और स्टैंप पेपर की चोरी को अंजाम दिया था। अब आखिर में इन भाई साहब के लिए चंद लाइनें तो बनती हैं, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि शराब के भी कई रंग हैं साकी, कोई पीता है आबाद होकर तो कोई पीता है बर्बाद होकर। और इस शराब ने सिपाही राम कुंवर पवार को बर्बाद कर डाला, ना नौकरी बची और ना ही बची इनकी इज्जत। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।